बहुत ही अहम टॉपिक है। एक सानहा हुआ है कराची के इलाके गोल्डन टाउन में। बहुत न्यूज़ चल रही हैं, आप सब लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा इस बारे में। एक बच्ची है 14 साल की, 7वीं क्लास में पढ़ती है, नाम है दुआ सेहरा। अपने घर से, अपनी गली से, अपने घर के गेट के सामने से अचानक वो बच्ची गायब हो गई। बहुत ही अफसोसनाक वाक्य है, बहुत ही हैरानी वाला वाक्य है कि अपने घर के सामने से कोई उसे उठाकर ले गया। कचरे वाला आता है गली में, हर कोई अपने गेट के बाहर कचरा रखने जाता है। वो बच्ची भी कचरे वाला आया था या नहीं, या उसका शायद टाइम होने वाला था, रमज़ान का महीना है, मुबारक महीना है, वो बच्ची सिर्फ अपने घर से जो है वो कूड़ा उठाकर अपने गेट पर रखने आई है। फर्स्ट फ्लोर पर वो लोग रहते हैं और वो बच्ची सिर्फ और सिर्फ गेट पर कूड़ा रखने के लिए आई है, और उसके बाद वो बच्ची दोबारा नहीं मिली। गाइस, ये वाक्या बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है, हर जगह चल रहा है, सबको पता होगा अब इस बारे में। लेकिन मैं किसी सुनी सुनाई बात पर वीडियो बनाने नहीं आ गई कि मैंने न्यूज़ में देखा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली और मैं आ गई यहाँ आपसे बैठ के बात करने के लिए। दोस्तों, ये सानिया है मेरी अपनी गली का, जहाँ हम रहते हैं। हमारे घर से सिर्फ 2-4 घर आगे उनका घर है, पड़ोसी हैं वो हमारे, और हमारी उनसे अच्छी खासी सलाम दुआ है, हम उनको जानते हैं। आंखों देखा वाकया है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, उनके माँ बाप की क्या हालत है हम जानते हैं, कितना बुरा हाल है। कहने में, सुनने में बहुत ही नॉर्मली लोग कह देते हैं कि यार ये हो गया, भूल जाते हैं, लेकिन जिनके घर में होता है, जो कयामत गुजर रही होती है, सिर्फ वही जानता है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। जवान बच्ची 14 साल की घर के सामने से गायब हो गई। एक होता है ना कि चले कहीं गई थी, किसी दोस्त के पास गई थी, कहीं बाज़ार गई थी, वापस ना आई, अपने घर के अपने गली में से वो बच्ची गायब हो गई। उसके पेरेंट्स का कहना है कि वो बच्ची इतनी मासूम है कि वो बच्ची बाज़ार छोड़ आओ तो घर खुद वापस नहीं आ सकती, वो इतनी मासूम बच्ची है। वो सिर्फ कूड़ा रखने के लिए आई, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बच्ची है, और उस बच्ची को किसी ने उठा लिया। कुछ कह नहीं सकते कि किसी ने नज़र रखी हुई थी, कोई ट्रैक कर रहा था, कुछ पता नहीं है। मुसलसल पुलिस का आना जाना है, रेंजर्स वाले हैं, न्यूज़ वाले हैं, मुसलसल आ रहे हैं, टेलीकास्ट चल रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हर जगह न्यूज़ में, लाइव शोज़ में ये बात चल रही है। लेकिन मैं ख़ुद पर्सनली आप लोगों से आके इसलिए ये बात करना चाहती थी क्योंकि ये हमारा अपना वाकया है। ऐसा नहीं लगता कि किसी और घर का वाकया है, ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल वाकया हमारे साथ हुआ है, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं, हमारी अपनी गली में ये सब कुछ हुआ है। डर लगता है अब तो उस गली से गुजरते हुए भी। उस बच्ची के माँ बाप की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है गाइस। अल्लाह जाने कि कैसे वो बच्ची कहाँ चली गई, कौन उठाकर ले गया, कुछ पता नहीं है। पुलिस का आना जाना हर वक्त लगा हुआ है, बहुत ही बुरे हालात हैं। आज 19वां रोज़ा है, 14वें रोज़े से वो बच्ची गायब है, 6 दिन और 5 रातें हो गई हैं। सिर्फ उसके माँ बाप, उसके घर वाले ही समझ सकते हैं कि उन पर क्या गुजर रही होगी कि जिनकी बच्ची 5 रातों से घर नहीं आई। कहने सुनने में बहुत बातें आती हैं, जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन सिर्फ बात इतनी सी है कि 5 रातों से और 6 दिनों से वो बच्ची घर नहीं आई है। वो बहुत छोटी है अभी, वो बहुत छोटी है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है गाइस कि अगर आप लोग कहीं भी उस बच्ची को देखें, कहीं भी आप लोगों को उस बारे में पता चले, काइंडली हमसे रब्ता करें। बच्ची के जो मिसिंग की कंप्लेंट्स चल रही हैं, वहाँ पर बच्ची के पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर है, काइंडली रब्ता करें, प्लीज़ बताएँ, क्योंकि उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है। आज 19वां रोज़ा है, कुछ दिनों के बाद ईद है, क्या गुजर रही होगी उनके घर वालों पर, कहाँ होगी वो बच्ची, किस हाल में होगी, कौन उसे ले गया, क्या किया उसके साथ। बस अल्लाह से दुआ है कि वो बच्ची हमें जल्द से जल्द मिल जाए, अल्लाह उस बच्ची को ज़िंदगी दे। हमारी अपनी गली का वाकया है, न्यूज़ में जो गली वगैरह दिखा रहे हैं, जो एरिया दिखा रहे हैं, वहाँ से वो बच्ची गायब हुई है। कैमराज लगे हुए हैं, लेकिन बच्ची अगर खुद जाती तो किसी कैमरा में आती। वो बच्ची
गली के अंदर से गायब हुई है, किस तरह लेकर गए हैं, क्या किया उसके साथ, कुछ पता नहीं है। प्लीज़ खुद पर रख कर सोचें, अगर आप लोगों को उस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, ज़रा सा भी कुछ आप लोगों को पता चले उस बारे में, काइंडली हमसे रब्ता करें, हमें ज़रूर बताएं। क्योंकि ये वाक्य सिर्फ किसी घर का या किसी गली का नहीं है, ये हमारे साथ भी हो सकता है। और ये जो कुछ चल रहा है, हमारे पड़ोसी ही हैं, तो हमें ऐसा भी महसूस हो रहा है जैसे ये वाक्य हमारे साथ हुआ है, हम उस दर्द को महसूस कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है, उसके माँ बाप ही जानते हैं कि उन पर क्या गुजर रही होगी। काइंडली किसी को भी कोई भी खबर मिले, कुछ भी पता चले, काइंडली हमसे रब्ता करें। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि वो बच्ची हमें जल्द से जल्द मिल जाए। और जैसे ही हमें बच्ची के बारे में कोई भी खबर मिलेगी, जैसे ही कुछ पता चलेगा, हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको फ़ौरन बताएंगे। तो काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिस किसी को भी बच्ची का पता चले, हम लोग आपके साथ उनकी पिक्चर्स शेयर कर देंगे, पिक्चर्स चल रही होंगे आपके साथ, तो काइंडली बच्ची देखें, किसी को कुछ पता चले कहीं देखें, किसी के साथ देखें, काइंडली हमें फ़ौरन हमसे रब्ता करें। क्योंकि अगर किसी के साथ भी आप लोग देखते हैं तो वो उसके अपने नहीं हैं, वो उसके घर वाले नहीं हैं। काइंडली आप लोग हमें फ़ौरन बताएं ताकि हम उस बच्ची को लेकर आ सकें, उस बच्ची को सही सलामत हम उनके घर पहुँचा सकें। प्लीज़ हमसे रब्ता करें, काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कुछ भी किसी को भी पता चले तो काइंडली हमें ज़रूर बताएँ। अपना सब बहुत ख्याल रखें, अपनी बेटियों का, अपनी बच्चियों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये न्यूज़ आजकल ये वाकयात बहुत ज़्यादा चल रहे हैं हमारे अपने एरिया में। कह रहे हैं कि 5 बच्चियों की कंप्लेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी दर्ज हो चुकी हैं, और ये बच्ची जब गायब हुई है तो अभी इस बच्ची के बारे में सबको पता चल रहा है, और साथ ही साथ बाकी बच्चियों के बारे में भी, कि 5 बच्चियों की कंप्लेंट्स इस एरिया से आई हैं। काइंडली अपने बच्चियों का, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, कहीं पर भी अकेला ना छोड़ें, अकेला कहीं ना जाने दें, खुद साथ जाएँ, खुद उनका ख्याल रखें। क्योंकि जब किसी की बच्ची या किसी का बच्चा उनसे दूर होता है तो क्या गुजरती है, ये हम समझ सकते हैं, ये आप लोग समझ सकते हैं। प्लीज़ 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 बहुत ख्याल रखें इस चीज़ का, हमें इजाज़त दीजिए, और कोई भी आप लोगों को इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिले काइंडली हमें ज़रूर बताइएगा। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।